गुलाबी बन रही है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्रा अपने चैनल ऑल इज़ एयर बाय सिद्रा से आज हमारी अम्मी बना रही हैं गुलाबी। गुलाबी बना रही है, चावल बॉईल करने के लिए रख दें। हैदराबाद की सबसे मशहूर स्वीट डिश गुलाबी, चावल बॉईल करने के लिए रख दिए गए हैं। 3 घंटे चावलों को भिगोया है, पहले प्रिपरेशन हो रही है इसकी। जब तक ये खोल के देखिए, केवड़ा डाल दिया गया है इसके अंदर ताकि इसमें बहुत जर्दे का रंग डाला है, थोड़ा सा वो कलर उसके लिए कलर अच्छा आएगा इससे गुलाबी का। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, हैदराबाद की सबसे मशहूर स्वीट डिश है ये, बहुत पसंद की जाती है, इसलिए कराची से हमें बुलवाया गया है यहाँ पे गुलाबी बनवाने के लिए। चली गई है, टाइम लगेगा अभी, देख लेते हैं डॉक्टर कि वो खाना थोड़ी सी देर तो दम पे भी रखी जाती है ना, ये तो ज़्यादा ही टाइम दम पे रखी जाती है, चावल नाम हो जाएगा। सही है, हाँ ना, अच्छा अब हम ले लेंगे घी या फिर कुकिंग ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं आप। उसके अंदर हमने 8 से 10 दाने हमने डाल दिए इलायची के, और इलायची के बाद हमने उसके अंदर डाल दिया खोया। खोया डाल के खोए को करना है फ्राई, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे, तो देखें ये इस तरह का कलर आ जाएगा। जब ये इसका इतना प्यारा सा कलर आ जाएगा दानेदार सा, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल किया जाएगा। दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर हम फौरन ही चावल शामिल कर देंगे जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे। फुल डन करना है राइस को, हमने कच्चा पक्का नहीं रखना है, जैसा कि बिरयानी के चावलों को रखते हैं इस तरह से नहीं रखना है, फुल डन करना है। और उसके बाद ये हैं तकरीबन 3.5 किलो चावल थे हमारे पास, 3.5 किलो चावल की गुलाबी इस वक्त तैयार हो रही है हमारे पास, रेडी हो रही है। आप भी देखें, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये इसके अंदर अब शामिल की जा रही है चीनी, वो तो जब चला के कर लेंगे ना, तो वो छोटा स्पून ले लो यहाँ तो। ये अलग से इसके अंदर शामिल किया जा रहा है असली घी, असली घी को मेल्ट करके थोड़ा सा और इसके अंदर शामिल कर दिया गया है।
और उसके बाद फिर आप जैसी चाहें आप डेकोरेशन कर सकते हैं। इसकी सेटिंग तो मुश्किल हो जाएगी, ये फिर जुड़ा हुआ थोड़ी है, बस हटा दो तो मैं इसको जब एंड में जाओगे खाएंगे ना। अच्छा जब नहीं फिर मिला देना पिघला के, नहीं खीरा बना के।